गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मनीष नागर और आज आपको बताने जा रहा हूं फिट इंडिया का ऑफिशियल ऐप किस तरह से आपको डाउनलोड करना है और कैसे उस पर प्रोफाइल अपना क्रिएट करना है। क्योंकि जैसा कि अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर ये ऐप का सर्कुलर आ चुका है। स्पेशली स्कूल्स के अंदर तो ये कंपलसरी हो भी चुका है और आने वाले टाइम के अंदर सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो ही जाएगा। बाकी मेरा मानना ये है, बहुत अच्छा ऐप है, मैंने ऑलरेडी चला के देखा है, बहुत अच्छा फिटनेस ऐप है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उस पर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है, कोई टीनेजर है या कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए भी। तो चलिए मैं आपको अभी पहले बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और कैसे अपना प्रोफाइल उस पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर। अगर आप देख रहे होंगे अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पर, आप देखेंगे थर्ड रो में राइट पर आपको प्ले स्टोर का सिंबल दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं आपके आगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है फिट इंडिया, फिट इंडिया ऐप मैंने ऑलरेडी सर्च किया था तो मैंने डाल देता हूँ। फिट इंडिया ऐप आपने क्लिक कर लेना है और आप देखेंगे तो जो ये जो फिट इंडिया का जो ऑफिशियल लोगो है अगर आप देखेंगे साथ ही, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कई सारे क्लोन ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलते हैं सेम लोगों के साथ, तो आपने चेक कर लेना है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप के ठीक नीचे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई ने ये ऐप को डेवलप करा है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला ये वैलिड है। इस आपको आपने राइट पे जो बटन है ग्रीन इंस्टॉल, इस पर क्लिक करके सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने के अंदर। 11 MB का ऐप है, बहुत ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा जगह ये ऐप नहीं लेने वाला है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अगर आप मोबाइल डेटा पे हैं 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, वाईफाई पे तो शायद 1-2-3 सेकंड ही लेता है और उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बटन एक्टिवेट हो जाता है ओपन का, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका ऐप जो है वो इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको करना है लॉग इन, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, नहीं बनाया तो आप जाएंगे ज्वाइन फिट इंडिया पे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे अकाउंट। क्रिएट कैसे करना है, सिंपली अपना आपको मोबाइल नंबर या एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। चलिए मैं एक एड्रेस डाल के देखता हूँ। पासवर्ड आप क्या सेट करना चाहते हैं, कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, तो मैं एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। जब भी दोस्तों आप पासवर्ड सेट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पासवर्ड के अंदर स्पेशल करेक्टर हो, कैपिटल हो, स्मॉल हो और न्यूमेरिकल हो, ये चार चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर। यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका दोनों पासवर्ड सही है नहीं है, आई एक्सेप्ट करना है आपको, देन आपको करना है क्लिक नेक्स्ट पे। तो ये दिखा देता है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है इसलिए दिखा रहा है, बट आप लोग को जैसे नया अकाउंट बनाना है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वो आपको ले जाएगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से अपनी आईडी से। सिंपली अब आपको लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है आपको। एंड पासवर्ड। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, अलाउ फिट इंडिया टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, यहाँ पे आप डाल देना वाइल यूजिंग द ऐप, कि जब ऐप यूज़ करे तभी वो अलाउ करे, अदरवाइज नहीं करे। देन अलाउ फिट इंडिया टू एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी अलाउ, जल्दी से इसको अलाउ कर दीजिए, फोटोज मीडिया ऑन डिवाइस अलाउ। तो ये कहता है परमिशन रिक्वायर्ड का आपको जो देनी है इसके लिए, उसको आप ये एक डेमो देगा कि आप बैटरी यूसेज पे जाके सेटिंग से वहाँ पे बैकग्राउंड एक्टिविटी को अलाउ कर दे, ताकि जब आप चलते हैं तो आपके स्टेप ये काउंट कर सके, आपका कैलोरी बर्न, ये सारी चीज़ें कर सके, बहुत अच्छा फीचर है। तो आपको डायरेक्ट सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे आप बैटरी यूसेज पे जाएंगे, बैटरी यूसेज पे जाने के बाद अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको आपने ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है। देन वापस से आ जाना है आपको अपनी ऐप के इंटरफेस पे, ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे क्रॉस का एक बटन है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्रॉस, इसको कर देना है, इसको भी क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है ऐप दिख जाएगी। तो इस तरह का ऐप जो है ये आपका इंस्टॉल हो गया है, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। अगर मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊं आपको, तो मैंने ऑलरेडी इस तरह से प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है। आप यहाँ पे नए इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके आगे एक पेज खुल जाएगा प्रोफाइल का, वो आपको सारी डिटेल भरनी होगी। जैसे यहाँ से देख लेते हैं, राइट टॉप कॉर्नर पे एक पेन का आइकन बना हुआ है, इस पेन के आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पर्सनल डिटेल्स, मैंने अपना नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
बॉडी मेजरमेंट्स भी आप डाल सकते हैं, हाइट आप चाहें तो फीट एंड इंचेस में डाल सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में डाल सकते हैं, वेट केजी के अंदर डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए। इसलिए ज़रूरी है हाइट और वेट की, ऑटोमेटिकली आपका बीएमआई कैलकुलेट करके बता देता है, साथ ही साथ आप किस लेवल पर चल रहे हैं फिटनेस वो भी ये कैलकुलेट करता रहता है। देन आप यहाँ पे एक अपनी फोटो लगा सकते हैं, एक पिक्चर लगा सकते हैं, कैमरे का आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, कैमरे के आइकन पे क्लिक करके या तो आप डायरेक्ट अपनी पिक्चर क्लिक कर लीजिए या फिर गैलरी से आप कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं और यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रोफाइल यहाँ पे हो जाती है अपडेट, और इस तरह से दोस्तों आपकी प्रोफाइल सेट हो गई है और आपका जो है ऐप इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।